हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, एक्सप्लेन। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से हम क्या समझते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट द जुडिशरी इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस होने से मतलब है कि जुडिशरी के ऊपर ना ही लेजिस्लेचर का कंट्रोल हो और ना ही एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल हो। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। जो जजेस हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेगी और ना ही जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में हैं, जो लीडर्स हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो अपने पोजीशंस पे हैं, उनकी बात जजेस सुनेंगे, ठीक है। जजेस जो है अपने इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करेंगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।